श्री राधा माधव युगल सरकार की परम कृपा करुणा से इस चतुर्थ दिवस की रसमयी चर्चा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। आज कृष्ण जन्म महामहोत्सव तक कथा का रसानंद हम लोगों को प्राप्त करना है, अतः शेष चर्चा का हम लोग श्रवण करें। कल प्रहलाद जी के पावन चरित्र तक हम लोगों ने कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया था। प्रहलाद जी की स्तुति की चर्चा चल रही थी, जिस समय श्री नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, श्री प्रहलाद जी महाराज को देखते ही प्रभु ने प्रहलाद जी से क्षमा याचना की। क्षंतव्य मंग यदि मे समय विलंब, प्रहलाद यदि मुझे आने में विलंब हुआ हो तो तुम हमें क्षमा करना। कृपया परिक्लतः जो भगवान ब्रह्मा लक्ष्मी जी और शंकर जी के साहस नहीं हो रहा था कि जाकर प्रभु के निकट जाकर खड़े होकर स्तुति आदि करके उनको शांत करें, ऐसा उनका विकराल रूप और ऐसे क्रोध के आवेश में थे। लेकिन जिस समय प्रहलाद जी को देखा है प्रभु ने, उसी समय विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थापित शीर्ष दधात करांबुजम। यहां तीन प्रकार की जो दीक्षाएं होती हैं श्री ठाकुर जी ने महात्मा ने भाव दिया है कि प्रहलाद जी को हस्त मस्तक दीक्षा, उनके मस्तक पर हाथ रखा, चाक्षुषी दीक्षा जिस समय विलोक के देव प्रहलाद जी को देखा है प्रभु ने, उनका सारा क्रोध शांत हो गया और उसके अलावा कृपया परिप्लुतः प्रहलाद जी को देखने से जो हृदय में कृपा का समुद्र उद्वेलित हुआ, ये मानसी दीक्षा। हृदय एकदम कृपा से लबालब भर गया और तब वहां श्री प्रहलाद जी महाराज ने नृसिंह भगवान का स्तवन किया। सभी श्लोक प्रहलाद जी की स्तुति के बहुत दिव्य हैं। प्रहलाद जी महाराज प्रार्थना किए हैं, हे नाथ नाहम विभिन्न जितेत भयान कास्य जिवार्ग नेत्र भ्रकुटीर वसोग्र धनुषात। आपके जिस रूप को देखकर ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी जी दौड़ गए, भाग गए डर के मारे, आपके इस विकराल भयंकर रूप को देखकर मुझे तनिक भी भय नहीं हो रहा। लेकिन हे नाथ एक चीज से मेरा हृदय भी कांप रहा है, वह क्या? श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, प्रहलाद जी महाराज प्रार्थना किए, संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीतः, संसार रूपी चक्की में पिसने से मैं डरता हूं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न खोए। संसार चक्र को तीव्र गति से चलते हुए देखकर कबीर दास जी डर रहे थे, रो रहे थे, देखो कैसी संसार का चक्र है, अनवरत चक्र चल रहा है और हर जीव इसमें पिस रहा है। लेकिन चलती चाकी देख के हंसा कमाल ठठाए, कील सहारे जो रहे सो कैसे पिस जाए। कबीरदास जी के पुत्र कमाल वो हंस रहे थे। कबीरदास जी ने कहा, कमाल इस संसार चक्र को देखकर तुम्हें भय नहीं होता? कमाल हंसने लगे,
पिताजी चक्र चाहे जितना तेज चले, चाकी चाहे जितनी तीव्र होकर चले, लेकिन चाकी का जो बाटा होता है जिससे पकड़ के चाकी को चलाया जाता है, उस कील के आश्रय में जो नाज आ जाता है, जो दाने आ जाते हैं, वो चाहे जितनी चाकी तीव्र चले, लेकिन कील के आश्रय में आने वाला अनाज का दाना कभी पिस नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका स्पष्टीकरण किया, माया चक्की और कील हरी, जीव चराचर नाज, जो जन उभरो चहे तो कील शरण को भाज। माया ही वह संसार की चाकी है, अनवरत चल रही है, जीवों को पीस रही है, नष्ट कर रही है, और कील उसका जो बाटा है वो श्री ठाकुर जी हैं, और संसार का चराचर जीव जो हैं वो सब अनाज है, अनाज के दाने की भांति है। जो जीव उस बाटे का आश्रय ले लेगा, श्री ठाकुर जी की शरणागति ले लेगा, वो तीव्र माया चक्र में से भी बच जाएगा, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। प्रहलाद जी कह रहे, संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीतः, मैं संसार रूपी चक्री में, इस चक्र में पिसने से घबराता हूं नाथ, पर एक बात है, मुझे अपने पिसने का कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि लीला कथा तव नृसिंग विरिंच गीता, अंजस्ति तर्मन ग्रणन गुणवत् प्रमुक्तो, दुर्गाणि ते पद युगालय हंस संग। मैं निरंतर आपके गुण कथन लीला चर्चा में डूबा हूं, इसलिए मुझे अपना कोई भय नहीं है संसार चक्र का, पर मुझे उन जीवों के लिए शोक है जिनकी आपकी कथा में, आपके नाम में प्रीति नहीं है, इनका निस्तार कैसे होगा। प्रहलाद जी महाराज, वस्तुतः ये महाजनों का स्वभाव होता है, वे जीवों का कष्ट देखकर दुखी रहते हैं। नरसिंह जी का प्रसिद्ध पद है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान वैष्णव जन तो तेने कहिए। ये संतों का स्वभाव है, उन्हें अपना तो भला कष्ट होता ही क्या है, लेकिन जीव मात्र का कल्याण। एक बार श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी बड़े शोकाकुल बैठे हुए थे, हरदास ठाकुर ने आकर कहा, भगवान आप उदास क्यों हैं? हरदास, जो लोग श्री ठाकुर जी के, श्री हरि के कथामृत नाम अमृत में डूब गए हैं, उनके सौभाग्य को, उनके सुख को तो कौन गा सकता है, पर जो जीव उस कथामृत नामामृत से विमुख होकर बैठे हुए हैं, उनके दुर्भाग्य से मैं शोकाकुल हूँ। वे कैसे अभागे हैं, इस कथा रस में, इस नाम रस से वो वंचित हैं, उनका कल्याण कैसे होगा। संसार में ऐसी ऐसी योनियां, 84 लाख योनियों में पहली बात तो सबसे कम 4 लाख योनि मनुष्यों को मिली है, 20 लाख हैं वो वृक्ष हैं, 10 लाख जीव जंतु हैं, सबसे कम योनि मनुष्य योनि, 4 लाख योनियां हैं। उनमें भी, उन मनुष्यों में भी ठाकुर जी की बहुत बड़ी जब कृपा होती है तब कोई जीव सनातन धर्मावलंबी होता है, अन्यथा अन्य अन्य धर्मों का आश्रय ले ले तो उसको ठाकुर जी के कथा कीर्तन का सुख नहीं मिल सकता, रस नहीं मिल सकता। होने को तो कितने अरबों खरबों की संख्या में दुनिया में मनुष्य होते हैं, चोर भी मनुष्य हैं, आतंकवादी भी मनुष्य हैं, उग्रवादी भी मनुष्य हैं, पर उनके मनुष्य होने न होने का क्या लाभ है। बहुत दुर्लभ लोग होते हैं, बहुत कम संख्यक लोग होते हैं जिनके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सब ते सो दुर्लभ सुर राया,
सबसे दुर्लभ है वे जन। कौन? राम भक्ति रत गत मद माया, जो ठाकुर जी की भक्ति में लीन हो गए, मद माया से मुक्त हो गए, ऐसे बहुत कम संख्यक लोग मिलेंगे दुनिया में। तो श्रीमन महाप्रभु जी उन जीवों के लिए शोक से संतप्त थे, कैसे उन जीवों का कल्याण हो। हरदास ठाकुर ने कहा, भगवान आपने ही तो नाम की महिमा को कहा है, पद्म पुराण आदि ग्रंथों के उद्धरण को आप प्रायः सुनाते हैं। नामैकं यस्य वाचि स्मरण पथ गतम श्रोत्र मूलम गतम व शुद्धम व अशुद्धम व्यवहित रहितम तारयत्येव सत्यम। एक नाम जीव का कल्याण करने में पर्याप्त है, एक नाम, केवल एक नाम। यस्यैकं वाचि, वो जिसकी जीव पर आ गया, या श्रोत्र मूलम, जीव पर नहीं आया तो बैठ के सुन लिया, कान में ही पड़ गया, और वह भी नहीं चलते फिरते, नाम की स्मृति हो गई, न सुना न बोला, केवल नाम की याद भी यदि आ गई। शुद्धम वा अशुद्धम, शुद्ध रूप से या अशुद्ध रूप से, शुद्ध अवस्था में या अशुद्ध अवस्था में, तार यत्येव सत्यम, इसमें कोई संदेह नहीं कि एक नाम जीव का कल्याण करने में पर्याप्त है। वह नाम, हरदास ठाकुर कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जी से, भगवान जहाँ आपने नाम की इतनी महिमा को गाया है, इतना नाम का उद्घोष किया है, वहाँ आपको चिंतित होने की क्या आवश्यकता। हरदास, जो नामामृत के सिंधु में डूब गए हैं उनकी तो मुझे कोई चिंता नहीं है, पर जो नाम से बहिर्मुख होकर बैठे हैं उनकी चिंता है। किन की चिंता? बोले जो यवन है, नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं सुनेंगे। तुरंत हरदास ठाकुर हाथ जोड़ के बोले, भगवान भक्त तो प्रेम में हा राम हा राम हा राम ऐसा पुकारते हैं, और वे ही यवन जब किसी को गाली देंगे, प्रताड़ित करेंगे, मारेंगे, तो कहते हैं हराम हराम हराम। हा राम में भी राम शब्द है और हराम में